मैं खुशरू आपका स्वागत करती हूं अखबार बानी गॉसिप में। जिया को मनाने की कोशिश कर रही है पूजा भट्ट। जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था कि भाई पूजा भट्ट जो है मनीषा के कारण जो है मनीषा की बातों को लेके पलक और जिया के ऊपर चढ़ गई बेफालतू पे, जहां पर ये दोनों काफी ज्यादा हैरान हुए। अभी तक भी माहौल जो है पूरा गर्म हुआ हुआ है, पर वहीं पर जिया जो है किचन एरिया में रहती है जहां पर पूजा भट्ट आती है और पूजा जो है बोलती है आके कि भाई तेरा और मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है जिया, तू अच्छी लड़की है और मैंने तो तुझे कुछ बोला भी नहीं है। जबकि पूजा भट्ट ने ये बात बोली है कि तुम गैंगअप करके जो है इसको ये सब चीजें बोलते हो और तू जिया यही सब चीजें बोलती रहती है कि ये बेबिका के जैसी बन गई है। जिया को भी उन्होंने काफी ज्यादा खरी खोटी सुनाई, हालांकि जिया ने रिस्पेक्ट करते हुए उनको पलट के कोई भी जवाब नहीं दिया। अब फिर दोबारा से जिया को मीठी मीठी बातें कर रही है कि जिया तू बहुत अच्छी लड़की है, मैं तेरे बारे में कुछ नहीं बोला है, और वो बोलती है कि हाँ मैम मुझे पता है कोई बात नहीं। तो जिया ज्यादातर कुछ बात नहीं बोल रही, जिया बस सुन रही है। जहां पर पूजा भट्ट जो है पलक के बारे में और भी ज्यादा नेगेटिव बातें बोली जा रही है, वही कॉफी को लेकर कि भाई हमने 30,000 रुपया दिया इसको मिलके, एट ए टाइम जो है ये कॉफी के लिए पीछे भाग ली, कॉफी जो है इसकी एडिक्शन है और कुछ नहीं है, इसको सोचना चाहिए एटलीस्ट, और इसको थोड़ी ना बोलते कि पाँव में पड़ो, पर सब चीजें सोच समझ के अगर करे तो मैच्योरिटी दिखाए तो अच्छा है ना। ये बहुत ज्यादा सेल्फिश है, मैं पहले दिन से ही इसको देख रही हूँ कि ये कैसी है, अभी मुझे पता चल गया कि ये कैसी है, तुम लोगों को पता नहीं चला। जहां पर जिया जो है बस सब चीजें सुनती रहती है और कोई भी ऐसा रिप्लाई नहीं करती है, क्योंकि जिया रिस्पेक्ट करती है बड़ों की और ये संस्कार जिया में दिखाई देते हैं। पर जिया को ये बात पता चल गई है कि भाई कौन उसके साथ है और कौन नहीं है, कौन उसको दबाने की कोशिश कर रहा है और कौन जो ऐसा है जो कि उसका साथ निभाएगा। अभी जिया को क्या पता चला है कि कौन उसका साथ निभाएगा, आपको लाजमी है पता होगा उसका नाम, मुझे जरूर बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।